हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टार्टिंग है उसको डिस्कस किया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तो कर लिए, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी रियल नंबर है। ऑब्वियस है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ए और बी होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। और लास्ट में वो बोलता है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या है कि अगर कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होने दो, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, ए प्लस आयोटा बी सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के बाद और फाइनल में लिखना है उसमें ए कितना है और बी कितना है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है वन प्लस टू आयोटा, पहला ब्रैकेट है मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस टू प्लस आयोटा। इन दोनों का जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब क्या, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो माइनस टू प्लस आयोटा माइनस टू आयोटा प्लस टू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये देखो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस टू ये बन गया माइनस फोर। ठीक है, और प्लस माइनस आयोटा, तो आंसर आ गया माइनस फोर माइनस आयोटा, तो ए का वैल्यू हो गया माइनस फोर और बी का वैल्यू हो गया माइनस वन। यहाँ पे मैं माइनस आयोटा नहीं लिखूँगा क्योंकि ए और बी पूछा है, तो ए और बी हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, तो आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो वन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा उसने ट्रिकी किया, वन माइनस आयोटा के पावर में माइनस वन लिखा है, इनवर्स भी बोलते हैं हम लोग उसको। उसका मतलब होता है कि वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा, अभी अपॉन में क्या आया, याद रखो कि जब भी न्यूमरेटर में पावर में अगर निगेटिव साइन आता है तो नीचे लेके आओ तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक एकदम कंसेप्ट है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमेशा याद रखो कि न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट का कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे उसको भी आप रेफर कर लीजिए, तो कॉन्जुगेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा वन प्लस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, है ना। कॉन्जुगेट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ऊपर हो गया वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी ही मिलेगा, है ना। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, और माइनस वन वो कैंसल, टू आयोटा अपॉन में वन प्लस, प्लस कैसे हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो हो गया टू आयोटा अपॉन टू, तो ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे बचा आयोटा, है ना। तो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि मुझे किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए प्लस आयोटा बी के, यहाँ पे सिर्फ आयोटा आया, मतलब बी का वैल्यू आ गया वन, तो ए का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा, है ना, क्योंकि रियल पार्ट उसमें नहीं है, तो रियल पार्ट नहीं है तो आंसर आता है ज़ीरो। इसको और एक चीज़, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में
इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट नहीं होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, a का वैल्यू हो गया 0, है ना, उसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा, a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू हो गया 1। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, न्यूमरेटर में 2 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये तो देखा कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं तब क्या करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर दो तीन कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आने तो डिनोमिनेटर में, हम लोग क्या करेंगे उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या, ये जेड मान लिया मैंने, तो 2 प्लस आयोटा अपॉन, इसको सिंप्लीफाई मतलब 3 इंटू 1, सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है हम लोगों को, 3 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। तो 2 प्लस आयोटा और ये हो गया, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस 2 ये 5 प्लस 5 आयोटा, समझा। देखो लास्ट क्वेश्चन जैसे बन गया ये, तो 2 प्लस ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के। ठीक है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है बोलो फटाफट, 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन 5 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो जिसको भी डिटेल में कॉन्जुगेट पढ़ना है तो लास्ट लेक्चर में अगर हम लोगों ने डिस्कस किया है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, 2 प्लस आयोटा और 5 माइनस 5 आयोटा, अगर चाहिए तो हम लोग जो कॉन्जुगेट का हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसका लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नीचे 5 प्लस 5 आयोटा और 5 माइनस 5 आयोटा, ये भी चीज़ ध्यान में रखो। अभी फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी एक फॉर्मूला है, तो उसका क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 आयोटा स्क्वायर। ऊपर दो ब्रैकेट से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, समझा। आगे बढ़ते हैं, तो देखो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अगेन माइनस 5, तो माइनस 1 प्लस 5 बन जाएगा, तो प्लस 5 और प्लस 10, तो ये बन जाएगा 15, यहाँ पे माइनस 10 प्लस 5 तो माइनस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 25 प्लस 25, ये डायरेक्टली मैंने 25 लिखा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 ये और ये माइनस, तो प्लस बन जाएगा। एक चीज़ शॉर्टकट हम बताता हूँ, बट ये बोर्ड में यूज़ मत करना, ये जब एंट्रेंस होती है उसमें काफ़ी यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ए उस डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है, तो उसका आंसर हमेशा नीचे वाला हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। मैं प्लस बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि सर आपने तो बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैंने फॉर्मूला बताया था जो कि स्टेट बोर्ड में यूज़ होता है, मैंने ये शॉर्टकट बताया। क्या शॉर्टकट होता है, जब भी एंट्रेंस के लिए जब भी कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे जो मिलता है, नीचे तो कॉमन से मतलब कॉमन है कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो बोर्ड में क्या करना है हम लोगों को, नीचे लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एंट्रेंस जो शॉर्टकट है वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर देखो क्या आ रहा है, मेरा ए क्या था,
फाइव, और बी क्या माना था मैंने, फाइव आयोटा, ठीक है। बट मैं एंट्रेंस के लिए क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल, ए और बी रियल नंबर है, ठीक है। मतलब क्या, ये ए बन गया और ये बी बन गया, तो जब एंट्रेंस के लिए शॉर्टकट बनेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 25 प्लस 25। जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो और क्लियर होते जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना। अगर अभी फ़िलहाल तो नहीं समझा तो सिर्फ बोर्ड पे फिलहाल हम लोग ध्यान देंगे, जैसे जैसे आगे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 15 - 5 iota / 1 बन गया 50। अभी देखो यहाँ पे ये हो गया a प्लस बी आयोटा, जो हम लोगों को फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसने बोला था कि इस फॉर्म में लेके आओ, तो हम लोग लेके आए। बट अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो हम लोग उसको दिखा दे। देखो तो 15 / 50 - 5 / 50 iota, ठीक है। तो ये पूरा 15 / 50 जो है ये a बन गया और ये हमारा b बन गया, तो a का वैल्यू हो गया 15 / 50 और b का वैल्यू बन गया -5 / 50। डन। तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 3/10 और b इज इक्वल टू -1/10। समझा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + iota न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है 1 - iota उसका होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ क्या है कि होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब क्या, 1 + iota होल स्क्वायर और 1 - iota होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। तो ये ऊपर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 1 + 2 iota + iota का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नीचे क्या है, 1 - 2 iota + iota का स्क्वायर, क्या किया हम लोगों ने, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1, ये +1, ये कैंसिल हो गया। अगेन नीचे ये -1, ये +1 कैंसिल हो गया, तो बच्चा 2 iota / -2 iota, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर आ गया -1। अभी देखो यहाँ पे भैया क्वेश्चन तो ये है कि -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, पहले क्वेश्चन है ना। तो आंसर ये है कि -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो जब भी सिर्फ रियल पार्ट आता है तो इमेजिनरी पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर नहीं होता है तो कैसा होता है, -1 + 0 iota, ये बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरी चीज़ कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्योरली रियल। ये भी डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना। लास्ट दो लेक्चर जो हम लोगों ने लिए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखे आप लोगों ने तो प्लीज़ वो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया -1 + 0 iota, तो उसने क्वेश्चन में क्या लिखा था, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a और b, तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1 और b का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी किया। सिक्स क्वेश्चन जो है, 3 + 2 iota / 2 - 5 iota + 3 - 2 iota / 2 + 5 iota, ये 6, 8 और 10th, ये तीन जो क्वेश्चन है मैं आपको खुद ट्राई करना है आपको, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं तो ताकि आइडिया आ जाए आपको। तो सिक्स क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है कि 3 + 2 iota / 2 - 5 iota + 3 - 2 iota + 2 + 5 iota। देखो एक चीज़ तो है,
कि न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो सिंपल है। क्या करना है हम लोगों को, सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग क्या करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऊपर जो भी आएगा दो दो ब्रैकेट्स आएंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, उसको आप सिंप्लीफाई करते जाइए। सिंपल है, दिखने में बड़ा दिखेगा लेकिन सिंपल है, कंसेप्ट वही है। और डिनोमिनेटर में भी दो दो ब्रैकेट्स आएंगे, उनका भी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपका हम लोग सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसके लिए दिख रहा है कि अंडर रूट में निगेटिव साइन नहीं दिया है। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। आयोटा क्यों आया, क्योंकि जब भी रूट के अंदर माइनस 1 आता है तो हम लोग आयोटा लेते हैं। और नीचे आ गया 4 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अगेन रैशनलाइज, या फिर आप लोग रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज किससे, कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए। 10th क्वेश्चन, ये तो एकदम चिंदी है। 10th क्वेश्चन क्या है, दो ब्रैकेट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर मिल जाएगा। डन। तो हम लोगों ने 6, 8 और 10, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस आयोटा पावर में माइनस 3 है ना, दिख रहा है सबको, पावर में कितना है, माइनस 3। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो पावर में निगेटिव है, ठीक है। तो और अगर वो पूरा टर्म न्यूमरेटर में है तो पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आने के बाद पावर पॉजिटिव बन जाती है, ये बेसिक कंसेप्ट सबको पता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, है ना, न्यूमरेटर में निगेटिव था तो डिनोमिनेटर में आके वो पॉजिटिव बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा तो हम लोग तो वही सोचेंगे कि सर कॉन्जुगेट निकालना है उसका, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को पावर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये a प्लस बी होल क्यूब दिख रहा है तो हम लोगों को उसको फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² + b³। ये फॉर्मूला है a क्यूब a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। तो a क्या है हमारा, 1, और b क्या है, आयोटा। तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो a 3a² b प्लस 3ab² मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब। क्लियर, समझा। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस, देखो आयोटा स्क्वायर निगेटिव माइनस 1 तो ये माइनस 3 बन गया, माइनस 3 और 1 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा क्यूब। मैंने जानबूझ के आयोटा क्यूब को रहन दिया है। यहाँ पे आता है, मैं हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा मतलब क्या, कि अगर आयोटा के पावर में कोई भी नंबर आता है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोगों ने उसको डिटेल में हम लोगों ने समझा है। तो अगर आपको रेफ़र करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो बेसिक तो बता देता हूँ यहाँ पे, आयोटा क्यूब, देखो आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा क्यूब कितना होता है, देखो आयोटा क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आ गया -iota। तो आयोटा क्यूब का आंसर वैल्यू क्या है, कितना है, -iota।
ये अच्छे से अगर समझना है पावर ऑफ आयोटा तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 1 upon -2 + 3 iota - iota, तो ये बन गया 1 upon -2 + 2 iota। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, हम लोगों को उसने पूछा था कि a प्लस बी आयोटा का आंसर बताओ, तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग नहीं करेंगे कि a का वैल्यू हो गया सर 1 upon -2 और b का वैल्यू हो गया 1 upon 2, ऐसा नहीं होता है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग नहीं कर सकते उसको। तो फिर अभी क्या करना है, वही कंसेप्ट, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 upon -2 + 2 iota - -2 - 2 iota upon -2 - 2 iota। क्लियर, तो ऊपर बन जाएगा -2 - 2 iota upon -2 + 2 iota और -2 - 2 iota। नीचे आ गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का वैल्यू क्या है -2 और b का वैल्यू 2 iota, तो कैसे हो जाएगा -2 - 2 iota, a square - b square। तो a square क्या है मेरा -2 का square, a square माइनस बी स्क्वेयर मतलब क्या 2 iota का square। तो -2 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 plus iota डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 4, और देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -(-+)4 डन। तो ऊपर हो गया -2 1 plus iota upon 8, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा -1 plus iota upon 4। समझा, मुझे किस फॉर्म में डिनोट करना था उसको, a प्लस आयोटा b। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा -1/4 और b का वैल्यू आ जाएगा -1/4, मतलब a = b = -1/4। 9th क्वेश्चन है ना, बेसिकली यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स दिए, ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट्स, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन है और ये दो ब्रैकेट्स के बीच में माइनस साइन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करने से पहले जो निगेटिव साइन है रूट के बीच में वो हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, √-5 + 2√4 और √-1, कैसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि रूट के अंदर जब भी माइनस साइन आता है तो हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, मतलब क्या आयोटा बन जाता है वो, 1 - √9 √-1 + 2 + 3 iota, दूसरे ब्रैकेट में 2 - 3 iota। तो देखो ये बन गया -5 - √5 + 2√4 होता है 2, और √-1 कितना होता है, वो होता है आयोटा। ये पहला ब्रैकेट हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट 1 - 3 iota है ना, दूसरा ब्रैकेट भी सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट अभी अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस किया होगा ना, तो यहाँ पे दिया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में दिया है a माइनस बी, है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी a प्लस बी a माइनस बी आता है तो होता क्या है, a² - b² तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ a² - b² अभी b को ने यहाँ पे 3 iota। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो इसका रियल पार्ट ये वाला है और इसका रियल पार्ट ये है, तो कैसे बन जाएगा 1 - √5 है ना, ये रियल पार्ट प्लस ये देखो इमेजिनरी पार्ट, ये 4 iota - 3 iota, ये पूरा का पूरा
एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। फिर से एक बार देख लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला एक और ये दूसरा, तो इसका रियल पार्ट मैंने ऐड कर दिया, इसका इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दिया, है ना। प्लस ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है तो बन जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा 1 माइनस रूट 5 और ये प्लस आयोटा प्लस 4, यहाँ पे प्लस 9 बन जाएगा। अभी कैसे प्लस 9 बनेगा, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9। तो देखो यहाँ पे बन गया 1 माइनस रूट 5 पहला रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है ना, प्लस 13। तो ये 13 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 13 ये प्लस 1 तो हो जाएगा 14 माइनस अंडर रूट 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे सर रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 14 माइनस अंडर रूट 5 है ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है, और जो प्लस आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ए प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में तो हम लोग लेके गए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस रूट 5 और बी का वैल्यू हो गया 1, समझा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, 10th हम लोग मैंने आपको होमवर्क के लिए ट्राई करने के लिए दिया है, आप उसको ज़रूर ट्राई करना। 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्या है, 4 आयोटा रेस टू 8 माइनस 3 आयोटा रेस टू 9 प्लस 3 न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर में दिया है ये वाला पार्ट। देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल है कि हम लोग यूज़ करेंगे पावर ऑफ आयोटा। अगेन जिन अगर आपने नहीं देखा होगा वो वीडियो, लास्ट लेक्चर जो पावर ऑफ आयोटा हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आयोटा रेस टू 8 है और आयोटा रेस टू 9 11 10 ये सब है, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते देख लेते हैं। तो 4 आयोटा रेस टू 8 हम लोगों को पता होता है आयोटा रेस टू 4 तक, मतलब क्या कि आयोटा का वैल्यू है अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 1, आयोटा क्यूब का वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा रेस टू 4 का वैल्यू है 1, यहाँ तक ही हम लोगों को पता है। जब भी 4 के आगे जाता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करना है दो मिनट हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो आयोटा रेस टू 8 है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा उसको 4 के मल्टीपल में लेंगे, 4 पे मल्टीपल में लेंगे मतलब क्या कि ये आयोटा रेस टू 8 है तो मैं क्या करूँगा आयोटा रेस टू 4 तो लिख ही लूँगा, तो इसके पावर में कितना बचा अभी 2, तो बैलेंस हो गया आयोटा रेस टू 4 उसका पावर में 2 मतलब 8 बन गया बराबर। इसको आगे 3, अगेन मैंने क्या बोला कि 4 के मल्टीपल में लेना है, बट ये तो 4 के मल्टीपल में 9 आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ये हो गया 8, 2 लिख दिया मैंने, है ना, बचा कितना 1, तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी सिर्फ मैंने आयोटा लिखा क्योंकि आयोटा के पावर में ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, और कंसेप्ट ये भी बोलता है कि जब बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है, पावर की एडिशन मतलब ये 8 हो गया और यहाँ पे 1, तो 8 प्लस 1 9, आगे बन गया प्लस 3 डिनोमिनेटर में 3, अगेन इसको क्या कैसे करेंगे हम लोग आयोटा रेस टू 4 तो लिख ही लेंगे, मल्टीपल देखो 8 12 तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे 8 मतलब यहाँ पे 2 आ गया, रिमाइंडर कितना है 3, तो आयोटा क्यूब माइनस 4 आयोटा रेस टू 10 4 इंटू 2 रिमाइंडर कितना आया आयोटा स्क्वायर माइनस 2, समझा। तो आगे बढ़ते हैं 4, देखो कंसेप्ट क्या था, मैंने आयोटा रेस टू 4 ही क्यों लिया क्योंकि पावर कितना भी पावर आने दो तो आयोटा रेस टू 4 जो है वो आंसर 1 कर देगा, है ना, तो मुझे सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो 1 का स्क्वायर माइनस 3
वन का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस थ्री, दिख रहा है ना बराबर आप लोगों को, थ्री वन का स्क्वायर आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, माइनस फोर वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, तो ये हुआ फोर माइनस थ्री आयोटा प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री आयोटा, ये देखो माइनस माइनस प्लस प्लस फोर माइनस टू, तो ये बन गया सेवन माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। तो देखो ऊपर भी न्यूमरेटर में क्या आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में क्या है टू माइनस थ्री आयोटा। अगेन ये ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए हैं कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग ट्राई करोगे या मुझे करना है, ठीक कर लेते हैं अपन। सेवन माइनस थ्री आयोटा अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा इन टू कॉन्जुगेट क्या है थ्री टू प्लस थ्री आयोटा अपॉन टू प्लस थ्री आयोटा, तो नीचे बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऊपर बन गया सेवन माइनस थ्री आयोटा पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट टू प्लस थ्री आयोटा, नीचे आ गया ए स्क्वायर। मैं जानबूझ के ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ गया 14 प्लस 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ गया 4 प्लस 9, ठीक है। ऊपर आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये प्लस हो गया प्लस 9, तो बन गया ये 23, ठीक है 23 माइनस 4 आयोटा, तो नीचे हो गया 13 23 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया हमारा फाइन 23 माइनस 4 आयोटा। देखो यहाँ पे 2 माइनस 6 नहीं 21 माइनस 6 है, मैंने 2 कंसीडर कर लिया, तो 21 माइनस 6 आयोटा कितना होता है प्लस 15 आयोटा, प्लस 15 आयोटा, क्लियर है। गलती से यहाँ पे 2 देख लिया था हम लोगों ने, तो 21 है, तो फाइनल आंसर मुझे दिखेगा 23 अपॉन 13 प्लस 15 अपॉन 13 आयोटा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 23 अपॉन 13 और बी का वैल्यू हो गया 15 अपॉन 13।